सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पांच ऐसी बाइकें जो इंडिया की मोस्ट सेलिंग बाइक है, जो 125cc BS6 मॉडल्स की बाइक है सारी, जो कि पावर में बहुत ही आगे है और लुक और स्टाइल में तो पूछो ही मत। क्योंकि दोस्तों, सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सबका बजट थोड़ा लो चल रहा है, तो दोस्तों मैंने ये ध्यान रखकर ही कुछ बाइकें ऐसी सिलेक्ट करी हैं जो कि कम बजट में सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप अगर किसी अच्छी बाइक के बारे में सोच रहे हैं या कोई नई बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने इसमें पाँच जो बाइकें सिलेक्ट करी हैं वो आपको मैं एक एक करके सारी बाइक की डिटेल्स बताऊँगा। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, फिफ्थ नंबर पे आती है हमारी यामाहा की सेल्यूटो 125। दोस्तों, ये बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है, यामाहा की तरफ से 125cc में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। अगर मैं आपको इसके इंजन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो इसका 125cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ब्लू कोर टेक्नोलॉजी का इंजन है, जो कि बहुत ही पावरफुल और अच्छी माइलेज देने वाला इंजन है। साथ ही बात करें इसके ब्रेक की, तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट ब्रेक डिस्क मिलता है और रियर ब्रेक इसमें आपको ड्रम मिलता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों इसमें 7.6 लीटर का फ्यूल टैंक है। अब मैं दोस्तों बात करूं अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो दोस्तों इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे दिए हैं यामाहा ने, और इसके जो फ्रंट लाइट है बस ये थोड़ी वहाँ बीट खा जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको LED नहीं मिलता, ना कि आपको उसके टेल लैंप LED मिलते हैं, ना कि इसको आपका हेडलाइट LED मिलता है। मीटर की तरफ मैं जाऊँ अगर, तो दोस्तों इसका मीटर पूरा ही एनालॉग आता है, डिजिटल इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी एक इसका वैसे माइनस पॉइंट है। और वहीं बात करें इसके माइलेज की, तो दोस्तों इसकी माइलेज है 78 किलोमीटर पर लीटर। और दोस्तों ये बाइक सेल्फ और किक दोनों में अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे वो वेरियंट आप ले सकते हैं। वहीं साथ में अगर इसकी बात करूं मैं लास्ट प्राइस की, तो ये इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो है 60,593 रुपये, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है दोस्तों 62,293 रुपये। हाँ, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी अगली बाइक की तरफ। दोस्तों अगली बाइक है हमारी हीरो की ग्लैमर। तो दोस्तों इसका जो इंजन है वो है एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन, जिसकी मैक्स पावर है 10.87 PS 7,500 RPM पर, और मैक्स टॉर्क है इसकी 10.6 Nm 6,000 RPM पर। दोस्तों ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन में आती है। वहीं पे अगर आपकी बात करूँ इसकी मैं फ्यूल कैपेसिटी की दोस्तों, तो इसमें फ्यूल कैपेसिटी आपको 10 लीटर की मिलती है और माइलेज आपको इसमें 55 किलोमीटर पर लीटर की मिलती है। और ब्रेक की बात करूँ तो दोस्तों इसमें भी आपको फ्रंट ब्रेक डिस्क मिलता है, 240mm की इसकी डिस्क प्लेट है, और जो इसका रियर ब्रेक है वो है ड्रम ब्रेक, और ये IBS में भी आती है, IBS टेक्नोलॉजी, अगर आप डिस्क ब्रेक नहीं देते तो। वहीं अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं दोस्तों, तो इसका फ्रंट प्रोफाइल सामने से बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी लाइट की बात करूं तो इसमें लाइट आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, LED इसमें आपको नहीं मिलता है। और मीटर की बात करूं तो मीटर इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये बाइक सेल्फ और किक दोनों में अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस है एक्स शोरूम 69,787 रुपये, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है दोस्तों 73,287 रुपये। हाँ, तो दोस्तों नंबर थ्री पे आती है हमारी बजाज की पल्सर 125cc, जिसका इंजन है दोस्तों फोर स्ट्रोक ट्विन स्पार्क BS6 DTSI इंजन, जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन है। ये आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, जिसकी मैक्स पावर है 11.8 PS 8,500 RPM, और जो इसका मैक्स टॉर्क है वो है दोस्तों 10.8 Nm 6,500 RPM। ये बाइक भी आपको फ्यूल इंजेक्शन में मिलती है। ब्रेक की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आपको फ्रंट ब्रेक डिस्क मिलता है, रियर ब्रेक इसमें आपको ड्रम ही मिलता है, सेम बाकियों की तरह। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ मैं इसमें अगर आपको, तो फ्यूल आपको इसमें 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। हाँ, तो दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ मैं अगर, तो फ्रंट में आपको पहले जैसा लुक मिलता है इसमें, सेम जो पहले की पल्सर आती थी, जिसमें आपको हैलोजन मिलता है, बल्ब, आगे का हेडलैम्प, पीछे का टेल लैंप आपको LED मिल जाता है। मीटर की बात करूँ मैं, तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, साथ में इसमें आपको एक RPM मीटर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 17,091 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 79,091 रुपीज। दोस्तों सेकंड नंबर पे आती है हमारी होंडा की SP125, जिसका इंजन है फोर स्ट्रोक एयर कूल सिंगल सिलेंडर SI इंजन, जिसकी मैक्स पावर है 10.8 PS 7,500 RPM पर, और इसकी मैक्स टॉर्क है 10.9 Nm 6,000 RPM पर। दोस्तों ये बाइक आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है,
अब मैं बात करूं दोस्तों इसके मीटर की, तो दोस्तों इसका मीटर फुल्ली डिजिटल मीटर आता है, इसमें आपको हर चीज डिजिटल मिलती है, यहाँ तक कि आपको इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों इसके ग्राफिक्स की, तो दोस्तों इसके ग्राफिक्स भी बहुत ही अच्छे कंपनी ने दिए हैं, पिछले मॉडल के हिसाब से इसके बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं। और फ्रंट की बात करूं दोस्तों, तो इसमें फ्रंट में आपको हेडलैम्प फुल्ली एलईडी मिलता है इसमें आपको, जो कि सामने से इसे बहुत ही अच्छा लुक देता है, जिसे बाइक और भी स्टाइलिश लगती है। अब मैं बात करूं दोस्तों इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसका प्राइस है एक्सोरूम 71,679 रुपये, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 75,879 रुपये। हाँ तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी बजाज की डिस्कवर 125। दोस्तों इसका जो इंजन है वो है 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सरेंडर DTSI इंजन, जो कि 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है, जिसकी मैक्स पावर है 11 PS 7500 RPM, और जिसकी मैक्स टॉर्क भी 11 Nm 5500 RPM पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं बात करूं मैं इसके ब्रेक की, तो दोस्तों इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, बैक का इसमें आपको रियर ब्रेक जो है वो आपको ड्रम मिलता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें आपको 8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और अगर माइलेज की बात करूं तो दोस्तों अब तक की सारी बाइकों में सबसे ज़्यादा माइलेज है इसकी, ये दोस्तों 82 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज है। वहीं सामने से बात करूं दोस्तों, तो फ्रंट में आपको इसमें DRL मिल जाते हैं LED, और जो इसका हेडलैम्प है वो आपको हैलोजन ही मिलता है। मीटर की बात करूं मैं अगर इसमें आपको, तो फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, साथ में इसमें आपको RPM मीटर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बाइक है जो बजाज ही देती है, वरना 125cc में आपको कोई भी RPM मीटर प्रोवाइड नहीं करता। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो और बाइकों के मुकाबले भी सबसे कम है। दोस्तों इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो है दोस्तों 58,880 रुपये, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है दोस्तों 62,381 रुपये। इसलिए दोस्तों मैंने इसको नंबर 1 पे रखा, क्योंकि दोस्तों प्राइस में दोस्तों सबसे कम है, और एवरेज इसकी और बाइकों से सबसे ज़्यादा है, और आपको भी ये बाइक 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों इसलिए मुझे बाइक सबसे अच्छी लगी, तो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा। आपको इनमें से जो बाइक अच्छी लगी आप कमेंट में बताना कि आपको बाइक कौन सी अच्छी लगी। हाँ तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको इसी तरीके की नई वीडियो लाता रहूँगा बाइक और कार से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।